नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। संजय गांधी अस्पताल में तकरीबन एक माह पूर्व शुरू की गई नई व्यवस्था मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्थिति यह है कि कई मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को ओपीडी पर्ची कटाने के लिए ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। अस्पताल आने वाले कई मरीजों और उनके परिजन ऐसे भी होते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, वह कीपैड से काम चलाते हैं, जिसके कारण वह ऐप डाउनलोड करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उन्हें बिना इलाज के ही अस्पताल से ले जाना पड़ता है। आपको बता दें कि यह सुविधा मरीजों के सुविधा को देखते हुए लागू की गई थी। माना जा रहा था कि इस सुविधा के लागू करने के बाद मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पा रही है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है। ऐसे में वह बिना इलाज के ही अस्पताल से खाली हाथ लौट रहे हैं। यहाँ इलाज न मिलने के कारण मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम या चिकित्सकों के पास जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। बताया गया है कि अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसे में मरीजों के परिजनों को कहा जाता है कि वह ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद पर्ची कटेगी। अब परिजन ऐप डाउनलोड करें या मरीज का इलाज कराएं, इस दौरान परिजन काफ़ी परेशान होते हैं। अस्पताल के स्टाफ द्वारा परिजनों को ओपीडी पर्ची काटने की बजाय ऐप के बारे में जानकारी दी जाती है। इस परिस्थिति में मरीज और उनके परिजनों की क्या मनोस्थिति होती होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।